हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क के बारे में। जो इंडिया में डिफरेंट नेशनल पार्क सेटअप किए गए हैं, तो इनकी स्पेशलिटी क्या है, किस लिए सेटअप किए गए हैं, और मेन की इसमें कौन कौन से जानवर रखे गए हैं और किस किस स्टेट में है। और इसके अलावा हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे नेशनल पार्क के बारे में, कि इंडिया का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे ओल्डेस्ट कौन है, और सबसे नया में कौन सा सेटअप किया गया है, और उससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट के बारे में। क्योंकि प्रीवियस सेक्शन में हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कवर किए थे, जिसमें जाने थे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ कहाँ सेटअप है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क। वन मार्क क्वेश्चन यही से आता है कि नेशनल पार्क टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इंडिया में 105 है, लेकिन हम लोग इस क्लास में 105 नेशनल पार्क तो कर नहीं पाएंगे, और सारे नेशनल पार्क आपके कंपटीशन में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जिनके चांसेस है एग्जाम में आने का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ मैप वर्क भी कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो वो खत्म हो जाए और माइंड में नेशनल पार्क और उसका स्टेट सेट हो जाए। क्लासिफाइड एज IUCN कैटेगरी 2। देखिए, नेशनल पार्क को किस, जैसे नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क बनना कब से स्टार्ट हुआ, नेशनल पार्क बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, इसके पीछे कॉन्सेप्ट था IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, ठीक है। और इसको सेटअप करने का मेन था कि हम बचाएं किसको, फ्लोरा और फौना दोनों को, जो भी इनडेंजर्ड है, जैसे धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलने के चलते, चाहे वो प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए एक स्पेसिफाइड एरिया, जैसे कोई भी स्पेसिफाइड एरिया जिसमें किसी भी अदर पर्सन की एंट्री बैन कर दी जाती है, और ये क्या होता है, नेशनल पार्क होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो वहां के प्रॉपर हैबिटेट होते थे उनको रहने दिया जाता था, जबकि नेशनल पार्क में किसी को नहीं रहने दिया जाता है। यहाँ पे या तो एनिमल रहेंगे, नहीं तो जो लिस्टेड प्लांट है उनको रखा जाता है, जनरली एनिमल को ही। अब यहाँ पे IUCN का फुल फॉर्म, वन मार्क क्वेश्चन आता है, आप फुल फॉर्म कर लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब जिम कॉर्बेट काफी फेमस नेशनल पार्क है इंडिया में, इसको किस चीज के लिए हम जानते हैं, इंडिया ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, किस स्टेट में, उत्तराखंड में। और जल्दापारा जो है वो वेस्ट बंगाल में है, जो इंडिया का हम यंगेस्ट, मतलब न्यूएस्ट नेशनल पार्क बोल सकते हैं, जो 2014 में सेटअप हुआ था। इसके बाद कोई भी स्पेसिफाइड नेशनल पार्क इंडिया में सेटअप अभी तक नहीं हुआ है। ये तो क्लियर हो गया, बोला कि एनी नोटिफाइड एरिया बाई स्टेट गवर्नमेंट टू बी कंसिडर्ड, कोई भी नोटिफाइड एरिया जिसमें अदर पर्सन की एंट्री बैन कर दी जाती है, वहां पे हम एनिमल्स को रखते हैं, ताकि उनको उनके अकॉर्डिंग हैबिटेट दिया जा सके, उसको हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया लार्जेस्ट नेशनल पार्क की, वन मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, कंपटीशन के व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, हेमिस नेशनल पार्क, नाम क्या है सबसे लार्जेस्ट का, तो सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क का नाम है हेमिस नेशनल पार्क। कहां पे सेटअप है, तो लद्दाख में है। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है लद्दाख में। किन जानवरों को रखा गया उसमें, तो रेड फॉक्स, लियोपॉड, तिब्बतियन वोल्फ, ऐसे जानवरों को जो कि हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, ऐसे जानवरों को इसमें रखा गया, ठीक है। अब सेकंड जो आपका पॉइंट, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, इंडिया का सबसे छोटा सा नेशनल पार्क कौन है, वो है साउथ बटन नेशनल पार्क, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। अब नेशनल पार्क से रिलेटेड जो हम लोग स्टेट करने वाले, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो नंबर ऑफ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और अंडमान एंड निकोबार दोनों में 9 नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में भी 9 नेशनल पार्क है और अंडमान एंड निकोबार में भी 9 नेशनल पार्क है। और जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, ये निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। और सबसे बड़ा हेमिस जो कि लद्दाख, अभी लद्दाख आपका यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरीज बन चुका है। अब यहां तक कर लिए हैं, तो एक क्वेश्चन जो काफी फेमस है 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, दुनिया का एक फ्लोटा फ्लोटिंग फ्लोट करने वाला नेशनल पार्क कौन है, उसका नाम है केबुल लैमजाओ। केबुल लैमजाओ जो कि मणिपुर में सेटअप है, ये वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है।
एक अब 2014 प्रीलिम्स में पूछा गया था यूपीएससी में, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ये तो अभी हम लोग इंडिया के बारे में, इंडिया का लार्जेस्ट कौन सा है, इंडिया का स्मॉलेस्ट कौन सा है, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, इंडिया का अभी न्यू सेटअप नेशनल पार्क कौन सा है। इसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस पॉइंट में कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो संत इलियास नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कहां सेटअप है? अलास्का में, अलास्का जहां पे बियरिंग स्ट्रेट पाया जाता है। ये आपको मैप, जब वर्ल्ड मैप कराएंगे उस टाइम आपको इसको लोकेट करके दिखाने वाले हैं। जो किसके अंडर में? अलास्का यूएसए के अंडर में है और कुछ पार्ट अलास्का का रशिया के अंडर में भी है। तो अलास्का में जो संत इलियास नेशनल पार्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कब सेटअप किया गया था इसको? इसको 2 दिसंबर 1980 को सेटअप किया गया था। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्यूज के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में भी आता है। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क संत इलियास नेशनल पार्क जो अलास्का में है। अब इसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं कि इंडिया का जो टॉप 10 नेशनल पार्क है उसके बारे में, उसका लोकेशन कि किस स्टेट में सेटअप है, और इसके साथ टॉप 10 के बाद 10 के अलावा अगर जो और नेशनल पार्क होंगे उसको भी हम लोग मैप में लोकेट करने वाले हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, फेमस नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में है, और इसमें लियोपार्ड स्लोथ, बियर, सांबर और बारसिंघा को रखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, और इसमें लियोपार्ड, चीतल, डॉल और नीलगाय ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है। थर्ड बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, बंगाल टाइगर को रखा जाता है, स्लोथ, बियर्स, गैंगेटिक डॉल्फिन्स को रखा जाता है इसमें। अगर हम बात करते हैं फोर्थ नेशनल पार्क का तो है नागरहोल नेशनल पार्क जो कर्नाटका में है, मैसूरु के जस्ट बगल में है। किस चीज, कौन कौन से जानवर रखे जाते हैं? तो टाइगर, लियोपार्ड, स्लोथ, बियर्स, डॉल ऐसे जानवर रखे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं फिफ्थ नेशनल पार्क का तो है रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान में सेटअप है, और राजस्थान में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके अलावा और भी नेशनल पार्क है राजस्थान में, रणथंभौर सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसमें लियोपार्ड्स, उसके बाद कैरकल स्लोथ्स और सांबर डियर रखा जाता है। पेरियार रिवर भी है, पेरियार डैम भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है जो कहा है? केरला में। सांबर डियर, लियोपार्ड्स, बंगाल टाइगर ऐसे एनिमल्स पेरियार में रखे जाते हैं। और केरला वाला जो रीजन है वहां पे फॉरेस्ट भी है तो वहां पे नेशनल पार्क सेटअप करना ज्यादा आसान है। पेरियार के साथ साथ और भी नेशनल पार्क है, वहां पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। गिर की बात करते हैं तो गिर किस चीज के लिए जाना जाता है? पूरे वर्ल्ड में फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए। एशियाटिक लायंस इकलौते ओनली गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं इंडिया में। सुंदरबन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो किस चीज के लिए जाना जाता है? बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइगर होता है। गैंगेटिक डॉल्फिन, किंग कोबरा, बंगाल टाइगर ऐसे एनिमल्स को यहाँ पे रखा गया। नंदा देवी इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड में है, और नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है, और नंदा देवी में स्नो लियोपॉड, हिमालयन मस्क बियर ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है। हम बात करते हैं थर्ड नेशनल पार्क की तो जिम कॉर्बेट जो 10th नंबर का नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिम कॉर्बेट के बारे में कि ये 1936 में सेटअप किया गया था। हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था, इसी में फर्स्ट टाइगर रिजर्व स्टार्ट किया गया था 1973 में, और इंडिया का सबसे पुराना है। इसमें बंगाल टाइगर को रखा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स को रखा जाता है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैप के साथ की जो ये डिफरेंट जो टॉप 10 हम लोग नेशनल पार्क देखे हैं तो कहां पे मैप में, कहां पे उस स्टेट में कहां पे लोकेट है उसको अभी हम लोग करेंगे। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, मैप वर्क को करेंगे, ठीक है। और मैप वर्क में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट क्या था आपका? फर्स्ट था कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहां पे सेटअप है? तो मध्य प्रदेश में सेटअप है। मध्य प्रदेश में कहां पे? तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिख रहा है जस्ट इसके नीचे में हम कान्हा नेशनल पार्क को लोकेट करेंगे। और इसके बाद हम बांधवगढ़ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक प्लेट्यू यहां पर है, जस्ट इसके बगल में हम बांधवगढ़ को मार्क करेंगे। मध्य
प्रदेश में इन दोनों के साथ साथ एक और नेशनल पार्क है जिसको हम लोग पन्ना नेशनल पार्क बोलते हैं, यहाँ पर सेटअप है। तो मध्य प्रदेश में 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, बांधवगढ़, कान्हा और पन्ना नेशनल पार्क। इसके बाद हम लोग फोकस करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा 100 सूरज के लिए असम का जो अपर लेयर है वहां पर पाया जाता है। काजीरंगा कहां सेटअप है, तो असम का जो अपर लेयर है वहां पर सेटअप है। सुंदरबन, सुंदरबन तो सुंदरबन डेल्टा जो है दोनों जगह पे स्प्रेड है, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे बांग्लादेश में। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जहां पे बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर आपका सुंदरबन नेशनल पार्क सेटअप है। अगर हम बात करते हैं गिर नेशनल पार्क की, तो गिर नेशनल पार्क जो आपका कोस्टल रीजन है जहां पर पोरबंदर है, ठीक है, तो वहां पर गिर नेशनल पार्क ये वाला जो रीजन है वो गिर नेशनल पार्क है और ये अपने एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है। फिफ्थ नंबर की बात करें हम तो पेरी रणथंभौर है, रणथंभौर के साथ साथ घाना नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क राजस्थान में है। रणथंभौर आपका जस्ट जयपुर वाला जो रीजन है वहां पर सेटअप है। और इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का हम डिस्कस किए हुए तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में सेटअप है। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है उड़ीसा में एक नेशनल पार्क सेटअप है जिसका नाम सिंपलीपाल नेशनल पार्क है और ये कहां है, झारखंड वाला जो बॉर्डर है जस्ट उसके नीचे में। सुंदरबन हम लोग का नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी जो क्या है इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड में सेटअप है। उत्तराखंड का जो अपर लेयर है जहां पे गंगोत्री ग्लेशियर है जस्ट उसके बगल में नंदा देवी है। इसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, ये लोअर पार्ट में ये प्लेन्स और जहां पे उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड बाउंड्री शेयर करता है वहां पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सेटअप है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक और नेशनल पार्क है, काफी फेमस नेशनल पार्क जिसका नाम राजा जी नेशनल पार्क है, जो सी राजगोपालचारी के नाम पे रखा गया था। अब इसके बाद एक और फेमस जो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। वो कहां है, उत्तर प्रदेश में बिहार में वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसके अलावा जो हम लोग एक किए हैं कैबुल लैमजो, तो मणिपुर में है। देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड और ये आपका मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सा है, पहला फ्लोटिंग वर्ल्ड का एक लौटा फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैबुल लैमजो। गुंडे नेशनल पार्क कहां पे, गुंडे नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आपका आंध्र प्रदेश में है, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क था आपका नागरहोल, नागरहोल कहां पे, तो मैसूरू जो यहां पे लोकेट है, तो मैसूरू के जस्ट बगल में नागरहोल नेशनल पार्क है। इस तरह से हम लोग नेशनल पार्क ड्यू टू हेल्प ऑफ मैप कवर कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।